नमस्ते, नमो नमः, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम। सभी मित्रों का स्वागत आज की कक्षा में, जिसमें प्यारे मित्रों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को मैं लेकर के आया हूँ और एक खुशखबरी जो आप लोगों को होनी चाहिए, है कि नहीं। पहले तो सबसे पहले मुझे बताएंगे सारे मित्र कैसे हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, घर पर हैं और हाँ, खा पी करके मजे कर रहे हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए भाई, घर पर होता भी क्या है ज्यादा से ज्यादा। चलिए कोई बात नहीं, उस मौज मस्ती को थोड़ा सा आज हम कम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण बात करने आया हूँ, जिसमें प्यारे मित्रों हमें पता चलेगा कि आज कौन सा हमारे लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के, हमारा पाठ्यक्रम क्या है और नया पाठ्यक्रम किस प्रकार से बनाया गया, उसमें से कौन कौन से चैप्टर हमारे पाठ्य पुस्तक में से हटा दिए गए हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, बात करेंगे उससे पहले सभी मित्र इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे और हाँ, गोप्रेम के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसमें आने वाले नए नोटिफिकेशन आप सभी को यथावत प्राप्त हो। उसके लिए आप सभी मित्रों को बगल में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए प्यारे मित्रों, कैसे हैं सभी मित्र, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं? इसी प्रकार से सभी मित्रों का हर बार की तरह, बार बार की तरह स्वागत है सभी मित्रों का, पुनः पुनः बारम्बार। आइए प्यारे मित्रों, मैं जो महत्वपूर्ण बात आप लोगों के साथ में करने आया हूँ, वो आप लोग वैसे भी आज का वीडियो का जो टाइटल आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा उसके अनुसार आपने पता लगा ही लिया होगा हालांकि, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा पाठ्यक्रम है कक्षा 10वीं का पाठ्यक्रम, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अब वो कौन कौन से बदलाव हैं, क्या क्या हमारे लिए हटाया गया है, क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ा गया है, उस पर मैं यहाँ पर बातें करूंगा प्यारे मित्रों। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर बात करूंगा आप सभी मित्रों के साथ में जो होगा हमारे लिए कक्षा 10वीं का हिंदी अ पाठ्यक्रम, अर्थात कोर ए की मैं बात करूंगा कक्षा 10वीं का, ठीक है, जिसमें कुल मिलाकर के हमारे लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर मैं आधारित बात कर लेता हूं। पहला आता है हमारे लिए अपठित गद्यांश और काव्यांश। प्यारे मित्रों, अपठित गद्यांश और काव्यांश में से हमसे 5 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के हमसे अपठित आधारित 10 नंबर के हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई 10 नंबर तो पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं, सरल भी होते हैं, क्योंकि उसी गद्यांश में से हमें छांट करके उसके उत्तर देने होते हैं। अगली बात करते हैं, अगला हमारे लिए आता है व्याकरण आधारित प्रश्न। अब व्याकरण आधारित प्रश्न तो मतलब हमारे लिए तो हलवा है। रचनात्मक आधारित हमसे प्रश्न किए जाते हैं 4 नंबर के, उसी पर आधारित हमसे वाच्य पूछे जाते हैं 4 नंबर के, और पद परिचय भी 4 नंबर का। इसके अलावा एक पॉइंट रह जाता है, रस, कितना रस आ रहा, रस अर्थात आनंद की अनुभूति। क्या कहा मैंने, आनंद की अनुभूति, यही रस होते हैं। अब इस कक्षा में आप लोगों को बड़ा आनंद आ रहा है तो यही रस है कि नहीं। तो 4 नंबर के प्रश्न हमसे इससे भी पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के व्याकरण आधारित हमसे 16 नंबर के प्रश्न किए जाते हैं। अब मैं आगे यदि बात करूं यहां पर हमसे पाठ्य पुस्तक आधारित कुछ प्रश्न इस प्रकार से किए जाते हैं, क्षितिज से भाग 2 से कुछ महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पर, जिसमें से जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पर आधारित कुछ बहुविकल्पात्मक प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, गद्य आधारित, विषय वस्तु के ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि के ऊपर 5 बहुनिष्ठ प्रश्न हमसे क्षितिज पर अलग से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे क्षितिज है उसके गद्य पाठों के आधार पर ही विद्यार्थियों की उच्च चिंतन की क्षमताओं और अभिव्यक्ति पर, ज्ञान बोध और अभिव्यक्ति के ऊपर हमसे 7 5 प्रश्न, उसके अलावा भी 2 प्रश्न अभिव्यक्ति के आकलन पर आधारित हमसे पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के ये 7 नंबर का जो मैटर है वह अलग से हमसे पूछा जाता है। इसके अलावा यदि मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में बात करूं कि काव्य खंड की इसी में से, तो काव्य खंड जो हमारे क्षितिज का जो काव्य खंड है, उस काव्य खंड पर आधारित भी 5 बहुविकल्पात्मक प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा और हमारे लिए अलग से 2 अन्य किसको, काव्य बोध परखने हेतु 2 प्रश्न हमसे वहां पर अलग से पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के दोनों पार्ट से हमारे लिए 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, है कि नहीं। चल भाई प्यारे मित्रों, मजा आ रहा है सेशन में, क्योंकि अभी बहुत मजा आने वाला है। मैं ऐसी न्यूज आप लोगों को बता देने वाला हूं कि कितने सारे चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं, खत्म कर दिए, हटा दिए गए हैं, मिटा दिए गए हैं, हाँ? बिना युद्ध के, तो वो वाली बात अभी आगे हम पढ़ेंगे। नंबर 3 यहां पर मैं बात करूं खंड 2 में, तो हमसे जो है क्षितिज और हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, जो हमारी कृतिका भाग 2 है, उसमें से हमसे कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न किए जाते हैं। वो होते हैं प्यारे मित्रों, जैसे
आठ नंबर का हमसे जैसे कि कोई क्षितिज में से वही आ गया ज्ञान और अवबोध पर आधारित हमसे प्रश्न किए जाएंगे। इसके अलावा हमसे छह नंबर जो है अलग से जो है क्षितिज पर प्रश्न किए जाएंगे काव्य खंड के ही। इसके अलावा जो हमारी कृतिका भाग टू रह जाती है उसमें से भी छह नंबर के हमसे प्रश्न किए जाते हैं। ये कुल मिलाकर के 20 नंबर के क्वेश्चन जो खंड ब है उसमें हमसे वर्णनात्मक प्रश्न किए जाते हैं। इसके अलावा यदि मैं लेखन की बात करूं प्यारे मित्रों यहां पर, तो लेखन में हमसे जैसे कि कक्षा 9th में भी हम पढ़ते आ रहे हैं तो वहां पर भी हमने कुछ पढ़ा जिसमें हमने देखा था कि जो हमारे विभिन्न जो विषय हैं उनसे संबंधित जैसे तर्क विचार प्रकट करने की क्षमता पर आधारित तो हमसे समसामयिक और व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर हमसे अनुच्छेद लेखन करवाया जाता है। 5 नंबर का प्रश्न होता है भाई, ये ज्यादा मतलब कि 80 से 100 शब्दों में हमसे पूछा जाता है। एक प्रकार से हम इसके ऊपर निबंध लिखते हैं तो 5 नंबर हमसे वहां प्राप्त हो जाते हैं। अभिव्यक्ति की क्षमता को केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक एक हमसे पत्र भी लिखवा लिया जाता है, यह भी 5 नंबर का हमसे पूछा जाता है। ध्यान से समझेंगे, 5 5 10 नंबर का अभी तक मैटर हुआ है इसमें से। यदि मैं स की बात करूं यहां पर जिसमें से हमसे प्यारे मित्रों विशेष संबंधी भी 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत एक विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट जिसे हम कहते हैं वह हमसे लिखवाया जाता है, यह भी 5 नंबर का हमारे लिए होता है। द पार्ट की मैं बात करूं जिसमें प्यारे मित्रों हमें एक संदेश लिखना होता है अपने मित्र को अपने परिवार को कुछ भी, और वो टॉपिक होता है शुभकामना पर आधारित हो जाता है, पर्व त्योहार हो या विशेष अवसरों के लिए दिए जाने वाला संदेश हो सकता है। ये कुछ विकल्पात्मक मतलब कि ये भी 3 4 में से कोई एक या दो पर पूछा जाता है कि नहीं, ये भी 5 नंबर का हमारे लिए होता है। कुल मिलाकर के 5 5 5 4 20 पर आधारित हमसे यहाँ पर प्रश्न किया जाता है, अर्थात 20 नंबर का हमसे लेखन कार्य करवाया जाता है। यदि मैं यहीं पर कुल मिलाकर के 80 नंबर का हमारा पेपर जो पोर्शन होता है वह पूछा जाता है। इसके अलावा जैसे श्रवण और वाचन और जो हमारी प्रैक्टिकल जो टेस्ट होते हैं उन पर आधारित 20 नंबर मिलाकर के हमारे कुल 100 नंबर का हिंदी अ कोर हिंदी ए का हमारा पाठ्यक्रम बनता है। पाठ्य पुस्तकों की जहां मैं बात करूं किस किस की बात की जाती है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमसे प्यारे मित्रों वहां पर क्षितिज क्षितिज भाग टू और कृतिका भाग टू ये हमारी एनसीईआरटी आधारित पाठ्य पुस्तक होती है। यदि मैं आगे बात करूं यहीं पर तो प्यारे मित्रों हमारे जो पाठ्यक्रम में से कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं, खुशखबरी की बात तो ये है। तो देखिए मैं इसके साथ में एक अच्छा सा संदेश भी आप लोगों को देना चाहूंगा कि जो ये सारे पाठ हट गए हैं इनसे जो पढ़ने में हमारा जो समय लगता उस समय को हम हमारे बचे हुए पाठ्यक्रम को आधार मान करके उसमें ज्यादा समय हम लगाएंगे, तो अर्थात हमें तो समय समय मिलने वाला है। अभी ये मैं यहाँ पर क्षितिज भाग टू की मैं बात करना चाहूंगा तो क्षितिज भाग टू का जो हमारा काव्य खंड है उसमें से हमारा पाठ का नाम है देव, ये हटा दिया गया है। इसमें हमारा जैसे जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य जो है इसे हटा दिया गया है। नागार्जुन जी का यह दंतुरित मुस्कान फसल इसे हटा दिया गया है। इसके अलावा जैसे कि गिरिराज कुमार माथुर जी का जो हमारा छाया मत छूना है इस पार्ट को भी हटा दिया गया। वैसे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो मतलब मजा आता था पढ़ने पर तो उनको हटा दिया गया पता नहीं क्यों, लेकिन अपने को तो अच्छा ही है ना, मतलब कि हमारा तो पाठ्यक्रम कम हुआ है कि नहीं। चलिए, और हमारे मंगलेश डबराल महोदय के द्वारा लिखा हुआ संगतकार ये पाठ भी हटा दिया गया है, ये काव्य खंड में से हटाया गया है। यदि मैं आगे बात करूं गद्य खंड की तो गद्य खंड में से हम जो मनु भंडारी जी जो हैं इनकी एक कहानी यह भी, हमारे जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं उनकी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, कुतर्कों का खंडन ये पाठ हटा दिया गया। थोड़ा अच्छा था पाठ, मतलब कि स्त्री शिक्षा के विरोध वाली बातें इसमें की गई थी, बहुत मतलब अच्छा वाला चैप्टर था लेकिन हटा दिया गया, कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं तो यतीन्द्र मिश्र जी के द्वारा लिखा हुआ हम एक पाठ है नौपत खाने में इबादत, ये भी हटा दिया गया है। एक और पाठ है बदंत आनंद
कौशल्यायन की जो संस्कृति नामक जो पार्ट था उसे भी हटा दिया गया है। प्यारे मित्र, ये तो हमारे क्षितिज भाग में से हटाया गया है, और जो हमारी कृतिका भाग टू है, मैं बात कर रहा हूं हिंदी कक्षा दसवीं की हिंदी अर्थात कोर ए की बात कर रहा हूं, जिसमें से हमारी जो कृतिका भाग टू है उसका ए ही ठैया झुलनी हेरानी रो रामा, ये पाठ हटा दिया गया है। रामा रामा क्या किया जाए, इतना अच्छा वाला पाठ था। और मैं क्यों लिखता हूं, क्यों लिखता हूं भाई मैं, ये वाला पाठ बिल्कुल हटा दिया गया है। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हमारे हिंदी कोर ए कक्षा दसवीं की हिंदी अ में से हटा दिया गया है पाठ्यक्रम में से। यदि मैं यहीं पर प्यारे मित्रों ब की बात करूं, कक्षा दसवीं हिंदी ब अर्थात कोर बी की बात करूं कक्षा दस की, तो वहां का पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा सा मिलता जुलता उसी से है, कुछ एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाते हैं इसमें। वहां पर हमारे लिए गद्य काव्य और गद्य और पद्य दोनों में से प्रश्न किए गए, तो इसमें भी हमारे जो नंबर वन प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं हमारे दस दस नंबर के पूछे जाते हैं, बिल्कुल है ही है। इसके अलावा यहां पर मैं बात करूं व्याकरण आधारित तो ये हमारे पदबंध की बात की जाती है, चार नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद में यदि मैं बात करूं यहां पर रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, ये भी चार नंबर का हमसे पूछा जाता है। भाई आगे समास इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो उसमें नहीं था इसमें है, तो इस पर आधारित चार प्रश्न। मुहावरे इसमें पूछे जाते हैं, ये भी चार नंबर के। तो कुल मिलाकर के हमसे जो व्याकरण आधारित प्रश्न किए जाते हैं वो हमारे कुल 16 नंबर के प्रश्न 16 नंबर के अंकों के आधार पर किए जाते हैं। यदि यहीं पर जो हमारी पाठ्य पुस्तक जो स्पर्श भाग टू है प्यारे मित्रों, अब मैं बात कर रहा हूं कोर बी की, जिसमें स्पर्श भाग टू हमारी पहली पाठ्य पुस्तक चलती है, उसमें से कुल मिलाकर 14 नंबर के प्रश्न अलग से पूछे जाते हैं। इसमें से एक पद्यांश आधारित चार बहुकल्पी प्रश्न किए जाते हैं, वो चार नंबर के होते हैं, और दो गद्यांश हमसे पूछे जाते हैं जो पठित गद्यांश होते हैं, उनमें से हमसे कुल मिलाकर के पांच पांच अलग अलग करके और हमसे 10 नंबर के प्रश्न किए जाते हैं। भाई पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से समझ में आ रहा है तो मेरा फेवरेट इमोजी बनता है, है? अंगूठे वाला फेवरेट इमोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मैं अभी यहां पर खंड ब की बात करूं जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न हमसे किए जाते हैं, तो उसमें प्यारे मित्रों जो हमारी जो स्पर्श भाग टू की जो पुस्तक है उसमें से पहले तो 8 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न किए जाते हैं। वो कौन कौन से किए जाते हैं इस पर यदि मैं बात करूं तो हमारा जो भाग इसका ही एक पहला प्रश्न प्रकार आता है उसमें हमारे लिए ज्ञान विषय वस्तु का ज्ञान बोध अभिव्यक्ति आधारित हमसे 25 से 30 नंबर के जो 30-30 शब्दों वाले जिसे हम कहते हैं लघुतरात्मक प्रश्न वो हमसे पूछे जाते हैं। दो प्रश्न होंगे, दो दो नंबर के, चार नंबर के पूछे जाते हैं, है कि नहीं? और यदि मैं यहीं पर इसी स्पर्श भाग टू पर आधारित दूसरे प्रकार के प्रश्नों की बात करूं तो प्यारे मित्रों वहां पर हमसे स्पर्श आधारित निर्धारित जो देखेंगे हम यहाँ पर इसमें से पाठ हटाए गए हैं उनमें से उच्च चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 60 से 70 अर्थात कुल मिलाकर के निबंधात्मक हम कह सकते हैं, ठीक है, दीर्घ लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं वो 4 नंबर के हमसे इनमें से किए जाते हैं। कुल मिलाकर के 8 नंबर के प्रश्न हमसे स्पर्श भाग एक में से किए जाते हैं, स्पर्श भाग दो क्षमा कीजिएगा। और इसी पर आधारित तो अगला जो हमारी एक पूरक जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री बुक संचयन भाग टू, मैं बात कर रहा हूं प्यारे मित्रों दसवीं कक्षा हिंदी ब अर्थात कोर बी की, उसमें से 6 नंबर के प्रश्न हमसे किए जाते हैं संचयन भाग टू के। उसमें से किस आधार पर दो प्रश्नों पूछे जाते हैं जिनके हमें 40 से 50 शब्दों के अंदर उत्तर दिए जाते हैं, और यह हमारे 3-3 नंबर के होंगे और दो प्रश्न करके 6 नंबर का हो जाता है। कुल मिलाकर के इस प्रकार से हमारा जो दोनों पुस्तकों में से अलग अलग करके 14 नंबर के प्रश्न हमसे वहां पूछे जाते हैं। यदि यहीं पर प्यारे मित्रों मैं लेखन संबंधी प्रश्नों की बात करूं तो लेखन में सबसे पहले तो हमसे अनुच्छेद करवाया जाएगा, अनुच्छेद पूछा जाता है जो हमारे समसामयिक और व्याकरण व्यावहारिक जीवन से संबंधित जुड़े हुए किन्हीं भी तीन विषयों में से 3 विषय देंगे और एक विषय पर हमें क्या लिखना है अनुच्छेद, अनुच्छेद अर्थात निबंध, ठीक है। चल ये 6 नंबर का हमसे पूछा जाता है। यदि यहीं पर आगे मैं बात करूं प्यारे मित्रों एक पत्र हमसे पूछा जाएगा जो औपचारिक विषय से संबंधित होगा, 5 नंबर का हमसे पूछा जाता है। विकल्प होंगे कि कोई भी 3-4 में से कोई एक का हमें लिखना है, ठीक है।
यहीं पर आगे हम बढ़ते हैं तो व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित 40 से 50 शब्दों में एक सूचना का लेखन करवाया जाता है, हमसे रिपोर्ट ताज लिखवाया जाता है, रिपोर्ट लिखवाया जाता है, वो 5 नंबर का हमसे पूछा जाता है। ठीक है, यदि मैं यहीं पर आगे बढ़ूं प्यारे मित्रों, तो हमसे कुछ विज्ञापन हमसे लिखवाया जाएगा, इसमें भी उसमें भी था इसमें भी है, तो ये भी 5 नंबर का हमसे पूछा जाता है। तो फिर गुरु जी लघु कथा उसमें नहीं थी? हाँ उसमें नहीं होगी, इसमें है, इसमें एक लघु कथा हमसे बनवाई जाएगी जिसमें हमें 100 से 120 शब्दों तक हमें शब्दों का प्रयोग करना है और एक बड़ी सी कहानी जो उसमें टॉपिक दिया होगा उस पर आधारित हमें लिखना है। ठीक है, चलिए, ये भी 5 नंबर का हमसे पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के जो हमसे ये लेखन वाला पार्ट पूछा जाता है ये हमसे 26 नंबर का हमसे पूछा जाता है। अब मैं यदि बात करूं, ये तो हमारा पेपर हो जाता है, पेपर के अलावा पेपर हमारा 80 नंबर का आएगा। इसके बाद में जब मैं बात करूं श्रवण और वाचन संबंधी जो 10 अंक हमारे स्कूल लेवल पर होते हैं और एक प्रायोगिक परीक्षा ये जो होती है, ठीक है, प्रोजेक्ट, तो इसके आधार पर भी हमसे 20 अंक हमें प्रदान कर दिए जाते हैं और कुल मिलाकर के हमारा 100 नंबर का पूरा पूर्णांक हो जाता है। अब मैं बात करूं आप सभी मित्रों से कि कौन कौन सी पुस्तकें हमारे पाठ्यक्रम में चलती है, तो एक पुस्तक चलती है हमारी, वो है हिंदी कोर बी 10 कक्षा 10th के लिए, वो है स्पर्श भाग 2, एनसीईआरटी की आधारित पर होती है, और संचयन भाग 2। ठीक है, इनमें से भी हमारे कुछ बिंदु हटा दिए गए हैं जो पहले चलते थे, जैसे कि व्याकरण में से अलंकार अब हमें नहीं पढ़ना है, अलंकरण हमें सजाना, अलंकार अर्थात आभूषण, वो वहां कार्य नहीं करना है, ये हटा दिया गया है। पद्य में से पद्य खंड की यहां पर बात की जाए, पद्य खंड किसमें से, केवल हमारी स्पर्श भाग 2 में से ही पाठ को हटाया गया है, संचयन भाग ऐसे का ऐसा ही है कक्षा 10वीं में। ठीक है, पद्य की यहां बात करें तो बिहारी के दोहे हटा दिए गए हैं, भाई बिहारी जी के दोहे हटा दिए गए, क्या किया जाए। चलिए, अब वो बोर्ड का डिसीजन है, हटा दिया गया है तो हटा दिया गया, इसमें अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, तो इसको नहीं पढ़ना है। आगे हम बात करें तो महावीर महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित जो हमारी मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये पाठ हटा दिया गया है। वीरेन डगवाल जी महोदय के वाला डंगवाल जी महोदय के द्वारा जो तोप का जो पाठ है वो भी हटा दिया गया है। रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा रचित आत्मत्राण, ये पाठ भी हटा दिया गया है। यहीं पर मैं खंड गद्य खंड की बात करूं तो जो सीताराम शेखर सरिया इनके द्वारा लिखित जो पाठ है डायरी का एक पन्ना, ये हटा दिया गया है। इसके आगे मैं बात करूं, एक जब गद्य खंड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जैसे प्रहलाद अग्रवाल जी के द्वारा लिखित तीसरी कसम की शिल्पकार शैलेंद्र, ये पाठ हटा दिया गया है। और एक और पाठ, दो और पाठ रह जाते हैं, जैसे कि हमारे अंतोन चेखव महोदय के द्वारा लिखित गिरगिट, ये पाठ हटा दिया गया है। और रविंद्र केलेकर महोदय के द्वारा पतझड़ में टूटी पत्तियां भिन्नी का गिन्नी का सोना, ये पाठ हटा दिए गए हैं। प्यारे मित्रों, ये जो दोनों पार्ट में, इसमें हिंदी कोर ए और हिंदी कोर बी में जो हमारा पाठ हटा दिया गया है, सभी मित्र ध्यान से समझेंगे, उसको हमें नहीं पढ़ना है, इस बात को आप सभी ध्यान से समझ लेंगे, इस पोर्शन को हमें पढ़ना ही नहीं है। ये जो आप लोगों को हटाई दे दिखाई दे रहा है ना, जो पार्ट हटा दिया गया है, इनको नहीं पढ़ना है। अब इनके गुरु जी, फिर इनको हटा दिया गया, हम नहीं पढ़ेंगे, तब क्या किया जाएगा भाई? इनको पढ़ने में जो हम समय व्यस्त करते थे ना, ठीक है, उस समय को बच गया हमारा, और जो हमारे पार्ट शेष बचे हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे व्याकरण के प्रश्न बचे हुए हैं, बहुत सारे हमारे चैप्टर बचे हुए हैं, उन पर हमें ज्यादा गौर से पढ़ना है और विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हुए हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना है कि नहीं? तो प्यारे मित्रों, कुल मिलाकर के काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करे गो कब, चिंता मत कीजिए। आपको इस दोहे के माध्यम से मैं एक बात ही कहना चाहूंगा कि आप सोचते रहते हैं कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, भाई कल किसी का नहीं आता है। कल आप ऐसे किसी ने देखा है? कल मैंने तो नहीं देखा है, तो नहीं आता है। जो भी होता है आज होता, आज होता, वो भी अभी होता है। अर्थात कुल मिलाकर के अब हमें हमारी 10th की बोर्ड जो है उसकी तैयारी के लिए जुट जाना है, और गो प्रेप आप सभी मित्रों के साथ में जुड़ा हुआ है,
ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से सभी मित्रों की सभी प्रकार से सहायता की जाएगी। ठीक है प्यारे मित्रों, और जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए प्यारे मित्रों बिल्कुल अगली कक्षा में फिर से इसी प्रकार आप सभी मित्रों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी मित्र अपना ध्यान रखेंगे, घर पर रहेंगे, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का।